यह आदेश की कॉपी, एक आदेश झारखंड में सवाल खड़ा कर रहा है, झारखंड की सरकार हेमंत सरकार पर। जो मेरे हाथ में यह आदेश की कॉपी है वो सोशल मीडिया पर तैर रही है। इंडिया वॉइस इस आदेश की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रहे इस आदेश को लेकर सवाल गंभीर थे, इसलिए इस खबर को आप तक पहुंचाना हमने अपनी जिम्मेदारी माना। अब आप कहेंगे ये आदेश क्या है, इस आदेश में ऐसा क्या लिखा है जिसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि खाता ना बही, जो मंत्री जी करें वही सही। क्या वाकई में झारखंड में जो शासन है वहां उल्टी गंगा बह रही है? क्या मंत्री मुख्यमंत्री से बड़े हैं? इस आदेश के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस आदेश में कितनी सच्चाई है ये तो झारखंड के सरकार ही बता पाएगी। जहां किसी को भी कुछ भी करने का पूरा अधिकार है क्या? झारखंड में आदेश इन दिनों कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री से बढ़कर, यानी नियमावली जो झारखंड में है उससे बढ़कर अपने आप को मंत्री समझते हैं? स्वास्थ्य मंत्री का दिया गया एक आदेश और उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद झारखंड की सियासत ने एक बार फिर से सवाल सरकार पर खड़े हो सकते हैं। सवाल यह कि आखिरकार इस तरह के आदेश को पारित करने का अधिकार क्या वाकई मंत्री जी के पास है? अगर इस आदेश की कॉपी जो वायरल हो रही है उसमें दम हुआ तो क्या सोशल मीडिया पर तैर रही इन खबरों में दम है? सवाल बड़ा है। सवाल यह भी कि क्या झारखंड में उल्टी गंगा बह रही है? वाकई स्वास्थ्य मंत्री ने जारी कर दिया सचिव पद का आदेश, जो अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्री अगर इस आदेश की कॉपी में सच्चाई हुई तो? ऐसे कई सवाल हैं जो इस आदेश की कॉपी में छिपे हुए हैं। अब इस आदेश में जो बातें कही गई हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और फिर समझिए कि आखिरकार ये पूरी दास्तान है क्या और क्यों इस आदेश की कॉपी को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक एक खलबली मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर तैर रहे इस आदेश की कॉपी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आदेश की कॉपी झारखंड की सियासत का नया फसाना बन रही है। वजह क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर पहले सोशल मीडिया पर तैर रहे इस आदेश को किसने और क्यों जारी किया है वो समझ लीजिए। दावा किया जा रहा है कि ये आदेश जारी हुआ है माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से। अब ये आदेश क्या है वो भी देखिए। इस आदेश में लिखा गया है कि श्री आलोक त्रिवेदी, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी व्यवस्था अंतर्गत विभागीय सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड का प्रभार सचिव के पदस्थापन होने तक तत्काल प्रभाव से दिया जाता है। आदेश से बन्ना गुप्ता जी। सोशल मीडिया पर तैर रहे इस आदेश की तारीख पर गौर करें तो 16 तारीख को ही माननीय मंत्री जी ने यह आदेश अपनी कलम से जारी किया है। ऐसे में अगर यह आदेश सच है तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा आदेश निकालने का अधिकार किसी मंत्री को है या नहीं, क्योंकि मामला कार्यपालिका नियमावली झारखंड का है और ऐसे में नियमावली के अनुसार सिर्फ मुख्य सचिव 30 दिनों के लिए किसी को सचिव का अतिरिक्त प्रभार दे सकते हैं और वो भी ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री का होता है। अगर एक बार फिर हम साफ कर दें,
इस वायरल आदेश की पुष्टि इंडिया वॉइस हरगिज नहीं करता है, मगर मामला संगीन है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस आदेश में कोई सच्चाई है। अगर हाँ, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि झारखंड में मेन प्रशासनिक दिवालियेपन का ये एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ खाता न बही, जो मंत्री जी बोले वो ही सही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मामला संगीन है कि क्या मंत्री मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं या फिर उस नियमावली से भी बड़े हैं जो झारखंड की है। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हैं। फिरोज खान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के चेयर हैं। सचिनानंद सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के चेयर हैं और झारखंड की सियासत को बहुत करीब से समझते और देखते आए हैं अपनी कलम के जरिए। ना खाता ना बही, जो मंत्री जी बोले वही सही। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इंदुकांत दीक्षित जी, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले फिरोज जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। ये आदेश आपके पास भी आया या फिर पढ़ा आपने? मैंने अभी ये आदेश नहीं देखा है। आदेश नहीं देखा, सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है फिरोज जी। मंत्री को अधिकार है, सचिव को है, खाता ना भाई, मंत्री जी बोले वही सही। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गलत भी है तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि नहीं, और अगर ये सच है तो फिर तो ये बहुत बड़ा मामला है कि नहीं, खान साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं सभी को प्रणाम सलाम सत श्री अकाल झारखंडी जोआ जी। मेरा ये कहना है कि पहले तो जांच का विषय है, मंत्री जी ने जो आदेश दिया है क्या है, नहीं है, कैसा है। हाँ? किसके आदेश पर ये हुआ है, किस तरह हुआ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, आदेश पर किसी के नहीं हुआ, लेटर हेड बन्ना गुप्ता जी लिखा हुआ ऊपर, तो मंत्री माननीय मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेटर के ऊपर। ये लेटर जो इश्यू हुआ है, माननीय लेटर पैड तो कोई भी यूज कर सकता है। नहीं नहीं, कोई भी, और ये तो मामला और भी गंभीर है साहब, किसी के मंत्री के लेटर हेड पर कोई भी किसी का ट्रांसफर करवा देगा? ट्रांसफर मीन्स अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई है आपकी? सर तो ये स्वास्थ्य मंत्री कह देना ये गलत है। नहीं नहीं, बातचीत हुई है तो आपकी तो आप सर, तो ये तो सोशल मीडिया पर अगर तैर रहा है, अगर हमारे पास पहुंचा, आपके पास पहुंचा, तो उनके पास भी पहुंचा होगा। सोशल मीडिया में कैसे आया, किस तरह आया, कौन भेजा, कैसा भेजा, जांच का विषय है ना सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मामला गंभीर है कि नहीं फिरोज जी। झारखंड की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है, आपके यहाँ वैसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई हो रही है और उसके उत्तर ये मामले सामने आ रहे हैं, क्या चक्कर है झारखंड में, हो क्या रहा है? नहीं, गोपनीय चिट्ठी होती है, ये सब किसने फ्लैश किया, कौन बाहर निकाला, इसको तो अभी जांच का विषय है। जांच में जो सामने आया वो पता करेंगे, क्योंकि हमें खुद वहीं कराने वाला बन्ना गुप्ता जी वहीं के विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी है, उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है लॉकडाउन नहीं, उनके अच्छे काम के किस्से तो हम कई बार सुन चुके हैं, अब उन किस्सों का छोड़िए, लेकिन यहाँ मसला नियमावली का है साहब। जी, मंत्री को अधिकार है, मुख्यमंत्री से बड़े हैं क्या, अगर ये सच्चाई है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवा जी ने बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया। सर, मैं उनके करेक्टर सर्टिफिकेट पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये आदेश अगर सच है तो, इस पे पूछ रहा हूँ। ये देखिए, बात करूंगा तब ना बताऊंगा कि आदेश उनका है कि नहीं है। आपसे बात होती है मंत्री जी की? हाँ, एकदम बात होती है, हमारे गृह क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध है हमारे कार्यक्रम में, फोनो फ्रेंड की लाइव में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहेंगे? मैं बाद में करेंगे, मैं अभी किसी कहीं पर हूँ, बाद में करेंगे। आप करना चाहें अभी अभी कर सकते हैं, फोनो फ्रेंड की सुविधा मेरे कार्यक्रम में उपलब्ध है। मिलाइए मंत्री जी को फोन और कहिए ये आदेश, उनसे साबित करवाइए ये आदेश झूठा है। पूछिए आपसे बातचीत हुई हो तो आप बात में बताएं। सर आप तो कह रहे हो ना, आप तो उनको जानते हो व्यक्तिगत रूप से, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, तो पूछिए मंत्री जी से ये आदेश सच्चा या झूठा है, किसी ने फिर तो कंप्लेन दर्ज करवाइए साहब। ये किसी ने जो है उनके लेटर हेड पर गलत खबर, ये गलत चल रहा है तो मामला। नहीं नहीं, देखिए ना, तो मैंने अभी चिट्ठी देखा ना, मैंने बात किया उनसे, अगर बातचीत होगी तो मैं कल भी आपका चैनल रहेगा, परसों भी रहता तो नहीं है न्यूज आपका। नहीं चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, मन करे तो आप फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, ना देखा ना सुना, मैं तो पढ़कर हैरान हो गया
अगर ये सच्चाई है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये तो पुष्टि मंत्री जी को खुद करनी पड़ेगी ना। लेकिन मामला ये है कि उनके लेटर हेड नाम लिखा हुआ है, बन्ना गुप्ता जी, नीचे आदेश जारी हुआ है। कैसे देखे इन दुकान दिशी जी इस मामले को? जी नमस्कार तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई जी। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए दो तीन बहुत बड़ी बातें इसमें जी। एक तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ढंग की कोई बात, अगर मान लीजिए कि डीप फेक का भी मामला हो, आपने देखा अभी दो दिन पहले सचिन तेंदुलकर जी का था, बिल्कुल इमीडिएटली जो कंसर्न पर्सन और मिनिस्टर अगर हो, सचिव हो, इस बड़े स्तर का मामला हो तो उसका खंडन या मंडन तुरंत आ जाता है। ये उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खंडन नहीं आता है तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर मौन है अर्थात सही है ये मान लिया जाता है, मौन स्वीकृति। अब दूसरी बात जी, दूसरी बात देखिए मैं फिरोज खान जी के लिए कहना चाहूंगा। फिरोज जी, मैं जहां तक जानता हूं किसी भी टीवी डिबेट में किसी को आमंत्रित किया जाता है तो उसको विषय बताकर बुलाया जाता है। अगर इतने गंभीर मामले पर आपको चर्चा के लिए बुलाया गया और आप टीवी डिबेट में जनरली आते, मैंने देखा है, और अच्छे प्रवक्ता आप हैं, तो आप बिना जाने बिना सोचे बिना फोनो फ्रेंड का यूज किए, और अगर अपने मिनिस्टर को आप जानते हैं जैसा आपका दावा है और जानना भी चाहिए, आप उनके क्षेत्र के हैं और आप कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस कोटे के मिनिस्टर हैं, तो आप क्या एक फोन करके कंफर्म नहीं कर सकते थे डिबेट आने के पहले? ऐसे में आपके इस डिबेट पार्टिसिपेट करने का मीनिंग क्या हो? एक ये बड़ा सवाल है। तीसरा, जितना मैं जानता हूं फिरोज जी, जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग इस ढंग के आते हैं ऑफिशियल, वो सारे हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पे देखते रहते हैं कि एक तो चीफ सेक्रेटरी इशू करता, ठीक कह रहे थे हमारे तिलक जी, और दूसरा ये गवर्नर के ऑफिस से इश्यू होता है अंडर सेक्रेटरी के साइन से और कॉपी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है। तो ऐसी बात कैसे आई और आए हुए कल से सोशल मीडिया पे है, आज तक देयर इज नो वर्ड ऑफिशियल वर्ड, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग। नहीं फिर उसी सवाल पर आए, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप तो आपकी सरकार पर लगते रहे ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हो रहा है वहां पर, तो फिर ये तो फिर साक्षात प्रमाण है, ये तो अगर है तो मौन स्वीकृति क्यों मंत्री जी की? तिलक जी, जितना खेल ट्रांसफर पोस्टिंग 2014 से लेकर 19 तक में हुआ है उतना खेल हमारे सरकार में नहीं हुआ। सर ये तो फिर साक्षात प्रमाण, ना प्रमाण हुआ है तो फिर इसको सबूत बोलते हैं साक्षात। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा तो सरकारी अधिकारी का मनोबल बढ़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल की बात कर रहा हूँ सर, खेल समझते हैं ना, ट्रांसफर पोस्टिंग जो आरोप लगे आपकी सरकार पर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, बीजेपी वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप सिन्हा साहब, ओके ओके, आप ये कह रहे हो कि ये आरोप सारे झूठे हैं, लेकिन ये इसकी पुष्टि होनी चाहिए। लेकिन खैर सिन्हा साहब, ये कह रहे हैं कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को, इसके अलावा कुछ नहीं। जब कोई मामला मुझे लगता है कि फिरोज जी के ऊपर भारी पड़ता है तो वो हार करके न्यूज चैनल के ऊपर चाहे किसी के ऊपर ये लगा देते हैं कि ये भाजपा के तरफ से बोल रहे हैं, उनके तरफ से डिबेट कर रहे हैं। फिरोज जी, मैं कह रहा हूँ कि सुन लीजिए कि जो हेमंत सोरेन की सरकार घोषणा पत्र में जो वायदों को लेकर के वो चली थी, वो चार साल में तय तय फिर हो गया और वो फिसड्डी नजर आ रहे हैं और जनता में पूरा आक्रोश भरा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के ये जो लेटर निकला है, अगर इसकी अधिकारी पुष्टि होती है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही निंदनीय बात है। कार्यपाल प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है कि एक मंत्री अपने से इस तरह का लेटर निकालते हैं जो कि मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार के क्षेत्र में आता है और मुख्यमंत्री जी को ये निकालना चाहिए पत्र और सार्वजनिक। अगर इसकी अधिकारी सवाल यही है ना सिन्हा साहब कि ये तो साबित होना चाहिए कि ये सच है या झूठ है। स्वास्थ्य मंत्री ने अगर जारी सचिव पद के लिए आदेश जारी कर दिया तो किस अधिकार से किया? बिल्कुल, फिरोज जी उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ से स्वास्थ्य मंत्री विधायक है और उनको तुरंत फोन, वो फ्रेंड जो आप बता रहे हैं, कॉल करके पुष्टि कर लेनी चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है और तुरंत क्लियर कर देनी चाहिए। जब कोई भी मंत्री और कोई भी कहिए कि इस तरह की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से चलती है तो इसमें किसी प्रकार का मैटर हिडन नहीं होना चाहिए। इसलिए फिरोज जी को जो आप ऑप्शन दे रहे हैं तुरंत जो है वो फोन फ्रेंड करके पुष्टि कर लें कि ये जो है सही है या गलत है, इसमें भागने की क्या जरूरत है। अगर हमारे क्षेत्र के भी विधायक मंत्री रहते तो मैं फोन लगा करके स्पष्ट कर देता कि यह जो पत्र जो सार्वजनिक हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। और आप
नहीं, आपको मिर्ची लगना स्वाभाविक है क्योंकि इस तरह का जो पत्र आया है, आप उस क्षेत्र के आपके वरिष्ठ नेता हैं और कुश्ती भी नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नाम के ही आप नेता हैं। एक मिनट खान साहब, मैं इंदुकांत जी के पास जाऊं, लेकिन एक मिनट साहब, मैं पहले गली बंद करता हूं फिर सवाल पूछता हूं। सिन्हा साहब, ये मामला गंभीर है, से यस और नो? सिन्हा साहब, गंभीर है, बेहद है। विपक्ष में बैठे हो आप? बेहद गंभीर है। और आप विपक्ष में बैठे हो, यस और नो? बिल्कुल 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 बैठे हो विपक्ष में? बिल्कुल। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सबसे दिग्गज बाबूलाल मरांडी जी को ये आदेश दिखाएंगे आप? जाएगा डेलीगेशन गवर्नर के पास? दिखाऊंगा अगर हमारे को ये नहीं, अगर ये मसला आप हर बात पे कहते हो संवैधानिक संकट, अगर ये है मामला, अगर है तो आप लोगों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए गवर्नर के पास? अगर इसकी पुष्टि होती है और यह तो सर, ये पुष्टि होगी कैसे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मंत्री मौन है, इनके सरकार करेगी और इनके जो भी अभी झारखंड प्रदेश, आपकी जिम्मेदारी क्या है? विपक्षी धर्म क्या है अगर सरकार करेगी तो? हमारे पास आज यह पत्र आया है, मैं भी अपने स्तर से पुष्टि कराऊंगा। इस पत्र से क्या यह साबित हो जाता है इंदुकांत जी कि झारखंड में मुख्यमंत्री से ऊपर स्वास्थ्य मंत्री है? नहीं, अगर सच है तो देखिए, ये नहीं कह करके मैं इसको दूसरे शब्द में कहूंगा जी कि माननीय बन्ना गुप्ता जी का स्वभाव कार्यशैली इसी ढंग की रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जब नेता जो राज्य को रन कर रहा है, राष्ट्र को रन करता है, टीम का जो नेता होता है, अगर वो कमजोर होता है या उसकी दृष्टि चारों तरफ नहीं होती है तो उसके अधीनस्थ अधिकारी या मंत्री इसी ढंग के कर्तव्य करते हैं और वो तमाशा देखता रहता है। जैसा यूपीए 1-2 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और सारे उनके अंदर के कैबिनेट मंत्री तमाम बेईमान हैं, तो इस तरह की ईमानदारी का क्या करेंगे आप? मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा अगर आपके पास समय है। एक, जब ये माननीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो सबसे पहला कारनामा उन्होंने क्या किया, क्या इसको कोई डिनाई कर सकता है कि रिम्स जो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है राज्य का, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी गवर्निंग बॉडी की काउंसिल का मीटिंग था, उसके टॉप 2 एजेंडे में उनके लिए SUV गाड़ी खरीदने का एजेंडा था। जैसे ही ये मीडिया में आया तो उन्होंने आनंद फानंद में उसको कटवा दिया। ये है उनका काम का तरीका। तबलीगी जमात का मामला जब आया यहाँ पे कोविड के सिलसिले में, तो हमको इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यहाँ पे 80% मामले तबलीगी जमात के लोगों के कारण। हमने कहा मंत्री जी ये कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टैंड के खिलाफ है। उन्होंने कहा मैं अलग टाइप का मिनिस्टर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ छापने के लिए। जब मैंने खबर चला दी तो मेरे पास उनका दबाव डालने के लिए 1 घंटे तक फोन आता रहा कि आप खबर को विड्रॉ करा लीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, दिल्ली से फोन आ रहा है, हमारी मिनिस्ट्री चली जाएगी। तो इनका काम करने का तरीका है जी। फिरोज जी, सुना आपने मंत्री जी के किस्से? तो कई हैं, आप सुनना चाह रहे तो वो तो इंदुकांत जी ने बता दिया लाइव में। अब इंदुकांत जी सर, क्या क्या मंत्री जी के बातचीत होता है मेरा, मैं तो मुझे पर नहीं पता। मैं तो उस तरह का पेपर में पढ़ा नहीं। मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना फैल जाएगा, इस तरह का काम हो जाएगा। इंदुकांत जी को जब हो सकता किस लिए बोले हो, काहे बोले हो? इंदुकांत जी ने छापा था, क्या छापा था मुझे तो पता भी नहीं है, जानता भी नहीं हूँ। नहीं तो आप ये भी नहीं जानते, आप आदेश भी नहीं जानते, आप मंत्री जी को जानते हो लेकिन उनके काम करने के तरीके को भी नहीं जानते। ये आदेश, ये आदेश जो आदेश जारी हुआ है, अगर ये आदेश में सच्चाई हुई तो मामला समझ रहे गंभीर है एकदम। अगर कुछ होगा तो गंभीर, जो गलत करेगा वो भोगेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। मंत्री जी कानून से ऊपर है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, नियमावली से ऊपर है। यही बात तो इंदुकांत जी कह रहे हैं, यही कह रहे हैं इंदुकांत जी। नहीं, इंदुकांत जी नहीं, मैं कह रहा हूँ चाला जी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर खाली बीजेपी वाले लोग हैं, संविधान से ऊपर बीजेपी वाले लोग हैं, उससे ऊपर सिर्फ बीजेपी के लोग हैं और कोई नहीं। हम कानून के दायरे में। सर, मुख्य सचिव 30 दिनों के लिए किसी सचिव का अतिरिक्त प्रभार दे सकता है, मेरी बात को समझिएगा, और ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होता है। होता है ये, मैं गलत तो नहीं कह रहा, यही नियमावली है फिरोज जी?
तो फिर किस अधिकार से मंत्री जी ने आदेश जारी किया? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है साहब। ये मंत्री साहब ने पूछेगा, आप लोग पत्रकार है हाँ? मंत्री जी का आदेश जारी हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो पूछिए इंदु कांति से पूछिए, मैं तो चार पांच साल से यही बात कह रहा हूँ। आपके तो नेता ही डिबेट में नहीं आते, आपके तो नेता ही डिबेट में नहीं आते। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, आइए चर्चा करिए ना। आप चुनी हुई सरकार है, झारखंड की सरकार ने, झारखंड की जनता ने आपको चुना है। कभी ईडी को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ देख लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? इंदु कांति के अब घनिष्ठ मित्र है वो, इंदु कांति फोन लगाया मदन गुप्ता जी से पूछे। हाँ आप नहीं पूछेंगे, आप ठीक है मंत्री, आप नहीं पूछेंगे, लेकिन इंदु कांति पूछेंगे। इंदु कांति को लाइए स्क्रीन पर, एक मिनट इंदु कांति, फिर उसके बाद सेना साहब आ रहा हूं आपके पास। वो कह रहे हम तो नहीं मिला पा रहे फोन, आप ही मिला दीजिए कह रहे हैं, और कह रहे पूछ लीजिए ये आदेश क्यों जारी हुआ। मतलब गजब चल रहा है झारखंड में। तभी कहा जा रहा है खाता ना बही, जो आप लोग करें वही सही, कोई नियम कायदे कानून नहीं। इंदु कांति एक घटना आपको और याद दिला दो, फिरोज जी को याद होगा, जब माननीय मंत्री जी का हनी ट्रैप का मामला सामने आया था हाँ। और उनको कॉल किया गया था और उसके जिस तरह की बातें आई थी, तो उन्होंने तुरंत आके के सफाई दी थी कि हमको फंसाया गया, हमको ये बताया गया, हमको ऐसा बताया गया। लेकिन जब इस तरह का आदेश उनके नाम पे टहल रहा है सोशल मीडिया पे, तो क्या माननीय मंत्री जी को आकर के इसकी सफाई नहीं देनी चाहिए? बोलिए आप फिरोज जी। देखिए मंत्री जी भी रांची में रहते हैं, इंदु कांति भी रांची में रहते हैं, तब इंदु कांति कितना टाइम लगेगा? हम तो बोले हम तो पहले बाहर है, हमने कहा कि मैं तो बाहर हूँ अभी, इसलिए बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी मैं जब फ्री रहूंगा तो मैं बात करूंगा मंत्री जी से कि भाई मामला क्या है। इसी तरह से मुझे पत्रकार क्या मामला, क्योंकि मैंने वो चिट्ठी भी नहीं देखी थी। हाँ बोलिएगा, इंडिया वॉइस ने खबर चल रही है, बताइएगा उनको। नहीं इंडिया वॉइस में मैंने देखा हाँ। साढ़े तीन चार बजे के आसपास देखा, जब फोन आया कि आज डिबेट है, तब मैंने देखा उसके हाँ। बाद अभी बातचीत में बातचीत हो, कल भी बैठेंगे डिबेट में, चावला जी चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मेरे को चिंता नहीं है, चिंता आप लोगों को होती है पता नहीं क्यों। अब तो मैंने बैठना भी छोड़ दिया। इंदु कांति जी बताइए, मैं तो कितना बोलता रहा, आइए आइए आइए, चुनी हुई सरकार को बोला मैंने, कहा आइए बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। बोले नहीं बैठेंगे आपके साथ, बोले रोजगार की बात करोगे नहीं बैठेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बोले नहीं बैठेंगे। मैंने कहा कि रोजगार पर चर्चा करो, आओ झारखंड की सरकार, आप चुनी हुई सरकार हो। बोले नहीं आपके साथ नहीं बैठेंगे, यही करते थे इंदु कांति जी आपके सामने। बताइए मैंने तो पूछा ये परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही छात्रों की, तो बोले नहीं बैठेंगे आपके साथ, बोले बेरोजगारों की बात करोगे, युवाओं की बात करोगे, नहीं बैठेंगे। मैं तो बोला, पूछे इंदु कांति जी बोला कि नहीं बोला मैंने? बिल्कुल एक बड़ी बात है, आप बोलिए ना, चलिए आपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलिए, बोलिए लाइन में बैठे, बोलिए बोलिए ना, मुद्दे पर बैठे आए, नहीं करूंगा बेरोजगारी की बात, नहीं कहूंगा कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, नहीं बोलूंगा। बोलिए लाइव में आए, बोल के सवाल का जवाब दे, बस इसका बोलिए ना। सिन्हा साहब मामला तो गंभीर है, अब क्या होना चाहिए इस मामले पर अगर सच्चाई हुई तो? पहले कुछ दो बात जो है घोषणा पत्र की मैं कर लूँ। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने वायदों में घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख कर्ज माफी की बात कही थी, पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 भत्ता देने की बात कही थी, 32 खतियान आधारित नियोजन नीति लाने की बात की थी, एक वर्ष में 3-4 जेपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट करने की बात की थी, और रोजगार के लिए तो 5 लाख कहा ही था कि प्रत्येक वर्ष देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे अपने जो है राजनीतिक करियर से। तो ये सब 4 सालों में कुछ हो नहीं पाया, अगर कुछ हुआ तो भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ बढ़ा, और उसी भ्रष्टाचार में खुद वो लैंड स्कैम में फंसते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 1,250 करोड़ रुपए का साहिबगंज में अवैध उत्खनन का जो मामला चल रहा है वो बेहद गंभीर मामला है, और इन सभी चीजों से मुझे लग रहा है कि एक सियासी हलचल जेएमएम सरकार के भीतर चल रही है, और उसी का नतीजा आपको ये लग रहा है ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो खेल जो आरोप लगा रहे थे उसका ये प्रमाण है जी? उसी का ये सियासी जो अंदरूनी जो हलचल चल रही है उसी का ये जो लेटर आप जो हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं उसी का मुझे ये लग रहा है कि अब कोई किसी से कम, मुझे लगता है कि कम नहीं आंकना चाह रहे मंत्री के, मैं भी मुख्यमंत्री के लेवल पैरेलल का हुई हूँ, इसलिए अपने स्तर से वो लेटर निकाल करके वो पद देना चाहते हैं, चूंकि अब मात्र
महज एक साल का और समय बचा हुआ है हाँ। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगों जो आधा दर्जन से ज्यादा जो है लोग अंदर बैठे हुए हैं लूट खसोट करके चार सालों में, तो कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि अब हम लोग भी कुछ खखोर लें, तो उसी का नतीजा मुझे लग रहा है कि यह लेटर है और फिरोज जी के गले नहीं उतर रहा है। फिरोज जी का इसको जवाब देना चाहिए कि लेटर आया तो कहां से आया। फिरोज जी आप बुरा नहीं मानिएगा, हर एक चीज में भारतीय जनता पार्टी को, यहां तक कि आप जो है इंडिया वॉइस चैनल में डिबेट में भी जो भी आते हैं एंकर आते हैं तो उनको भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है फिरोज जी, जो आपकी सरकार है या आपका आपका पूरा पकड़ है झारखंड में, आपकी सरकार है, आपको जवाब देना चाहिए। फिरोज जी, फिरोज जी, फिरोज जी, आप ये कहते हो इनके प्रवक्ता, अब सुनिए मेरी बात, मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूं। हम प्रवक्ता हैं, मेरी बात सुनिएगा, हम प्रवक्ता हैं, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, लेकिन जनता के, बिल्कुल हम जनता के प्रवक्ता हैं और ये जनता का सवाल है और वही सवाल हम उठाते हैं, हमें पार्टियों से लेना देना नहीं है। बिल्कुल, अगर ये गलत है तो ये साबित करो गलत है, ये काम तो आप ही का है ना, सब हमारा काम तो नहीं है। यह आदेश अगर जारी हुआ मंत्री के लेटर हेड पर तो पत्रकार के एंकर को आप जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता साबित कर देते, फिर ये बेहद ही गलत विषय है। डॉक्टर इंदुकांत ऋषि जी, माना गया आपको, डॉक्टर इंदुकांत ऋषि जी, मामला तो संगीन है, ये कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं फिरोज जी की तरफ, फिरोज जी मैं कह रहा हूँ, चलिए भगवान करे कि अल्लाह ताला करे कि ये लेटर गलत है, मेरी बात समझिएगा, ये मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला करे कि ये लेटर गलत है, लेकिन ये साबित कैसे होगा? नहीं इंदुकांत जी, जांच का विषय है, जांच में साबित होगा। हाँ तो कैसे होगा बताइए ना, मंत्री तो बताया नहीं। इंदुकांत जी, अब इंदुकांत जी बोलेंगे सिर्फ। देखिए तिलक जी, ऐसे मामले कई बार आए हैं कश्मीर में हुए, कई जगहों पे, लेकिन जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या सरकार होती है तुरंत सामने आती है विद इन फ्यू मिनट, और जो कंसर्न्ड लोग होते हैं उनके खिलाफ या जो अलर्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराते हैं और उसका पब्लिक में खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पिछले लगभग 24 घंटे में, तो मैंने पहले ही कहा कि मौनम स्वीकार लक्षणम, लेकिन अगर ये वास्तव में जैसा आपने कहा ग्रांटेड कि ये गलत हो और अभी तक खंडन नहीं हुआ, तो ये भी सरकार की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी चीज, विवादित चीज उनके नाम पे चलती हो और हाँ। वो चुप रहे और खंडन न कर पाए। फिरोज जी चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप ही की बात रख रहा हूँ, ये गलत है, आप ये कह रहे हो जांच होनी चाहिए, तो यहां से बैठकर इंडिया वॉइस के मंच से माध्यम से बैठकर कई अधिकारी देखते हैं, ऐसा नहीं है आपके नेता मंत्री आकर बैठते नहीं है लेकिन देखते हैं, मांग करिए यहां से, बोलिए हम मांग करते हैं मंत्री जी के अगर लेटर हेड पे हुआ जारी तो इसकी जांच हो, बोलिए फिरोज जी। मैं आज बात करूंगा मंत्री जी से कि भाई क्या मामला, नहीं नहीं बात मत करो, यही से मांग करो, झारखंड की जनता सुन रही है आपको, फिरोज जी मांग करिए, वो आपका लेटर आया, लेटर को देखा जाए। नहीं नहीं मेरे घर से थोड़ी ना जारी हुआ ये लेटर, कोई भी जारी तो हुआ है लेटर, आपके हाथ में लेटर है तो मैं तो बोलता हूं। नहीं तो लेटर हाथ में है, ये गलत भी हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ आपसे गलत हो सकता है, मंत्री जी से बात तो करने दीजिए, मंत्री जी नहीं तो जांच की मांग तो करने में क्या जा रहा है, यहाँ से करिए जांच की मांग, बोलिए मैं जांच की मांग करता हूँ। मंत्री जी के मीटिंग में कहा, मैंने फोन लगाया था उनको, उनका फोन अभी लग नहीं रहा, मैं बात करूंगा। फिरोज जी जांच की मांग करिए, मैं ये कह रहा हूँ, एकदम होगा, बेफिक्र रहिए। नहीं बेफिक्र मैं हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, आप बेफिक्र रहिए, इतना बताइए कि जांच होनी चाहिए कि नहीं, बोलिए ना जांच हो, मैं मांग करता हूँ, एकदम होना चाहिए। क्या हुआ फिरोज जी? जी बोलिए ना, मैं बात करूंगा कल, आप प्रतिबंध फिर बैठूंगा, बेफिक्र रही है। नहीं नहीं मैं तो बेफिक्र हूँ, बताइए ना मांग करते हैं जांच की, भागने वाले हैं ना, हम भागेंगे, हमारे मुख्यमंत्री भागेंगे ना, हमारा नहीं 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 कोई, अब ये मैं सुनना कह रहा हूँ कि आप भाग रहे हैं, बताइए ना जांच की मांग करिए, बोलिए मैं जांच की मांग करता हूँ, मांग हुआ जांच होगा, नहीं नहीं मांग करिए सर, मांग कर रहे हैं जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होगा जांच, एकदम होना चाहिए, बोलिए मैं मांग करता हूँ कि इस मामले की जांच होनी चाहिए गंभीरता से। अरे मांग एकदम जांच, मंत्री जी खुद जांच कराएंगे, चिट्ठी अगर उनका नहीं हो तो कैसे नहीं जांच होगा, तब ना दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिल्कुल होना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी, यही बात तो मैं कह रहा हूँ फिरोज जी, यही तो बात मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कि ये आदेश में कितनी सच्चाई है, गलत है तो ये भी साबित होना चाहिए कि गलत है ना, एकदम एकदम एकदम, हम लोग तैयार, बीजेपी वाले लोग नहीं मानते इस बात को, हम लोग गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वाह चलाइए, फिरोज जी ने कहा इस मामले की जांच की मांग करता हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिरोज खान जी कह रहे हैं इस मामले की जांच की मांग करता हूं,
जांच होनी चाहिए, यही बात कह रहे हो ना फिरोज जी? एकदम एकदम जांच होनी, क्यों नहीं जांच होना चाहिए, कोई भी गलत चीज है। ठीक, ओके ओके, थैंक यू सिन्हा साहब, खान साहब, इंदुकांत दीक्षित जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं डिबेट में, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ये वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इस मामले को आप तक पहुंचाया। अगर वाकई में एक मंत्री के कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई तो ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, इसलिए इस मामले को हमने उठाया। मंत्री जी को इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए कि क्या ये सच है या फिर नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।